वर्षों से गांव में नहीं हुआ कोई भी विकास कार्य, ग्राम की हालत हुई बदहाल। मैनपुरी विकासखंड बरनहाल के ग्राम पंचायत बिरथुआ में 20 वर्षों से कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है, जिससे लोग बेहद परेशान हो रहे हैं और प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में एक भी हैंडपम्प पानी नहीं दे रहा है, जिससे पेयजल की भारी समस्या बनी हुई है। प्रधान कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। गलियों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नाली कूड़ों से लबलब आ रही है, जैसे गलियों में पानी भरा हुआ है। गांव में आज तक कोई शौचालय नहीं बनवाया गया, जिससे महिलाओं तथा लड़कियों को शौच क्रिया के लिए बाहर खेतों में जाना पड़ता है, जहां उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के बाहर जब महिलाएं शौच के लिए आती हैं तो वहां मनचले अभद्रता का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण महिलाएं भयभीत हैं और वह एक दूसरे के साथ शौच क्रिया के लिए जाती हैं। कई गरीब लोग झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, उनके लिए कोई आवास की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे गांव की हालत बहुत ही जर्जर हो गई है। रिपोर्ट मैनपुरी, संवाददाता गुल निशा की रिपोर्ट। आपका हनीफ कहाँ जी? हनीफ कहाँ आपका कौन सा गांव है? बिरथुआ। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हैं? आपकी क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है। क्या है समस्या? तो यहाँ पानी की समस्या, खरंजों की, हर चीज़ की समस्या है। इस संबंध में ग्राम प्रधान से आप लोग कहते हैं तो क्या क्या जवाब रहता है उनका? कहते हैं वो करवा देंगे, बस ऐसे ही कहते रहते हैं। लगभग ये कितना समय हो गया जब से जो है आपके गांव के अंदर विकास कार्य नहीं कराया गया? कम से कम 20 साल है, ऐसे ही चल 20 साल से कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। क्या नाम है आपका? गोविंद राम। कौन सा गाँव है? बिरथुआ। क्या समस्याएं हैं जो आप लोग क्या समस्या है जो आप लोग इस तरीके से भीड़ लगा करके एकजुट होकर के विशेष प्रदर्शन कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, इसकी क्या अहम भूमिका है? अहम भूमिका ये, हमारे यहाँ री बोर का जितना पैसा है सब खा गए, और वो आरसीसी का जितना पैसा है, मेरे पास लिस्ट भी रखी है, सारा पैसा ये प्रधान ने यहाँ से निकाल के खा गया, कोई कार्य नहीं कराया इसने। ग्राम प्रधान से जब आपने इस संबंध में कहा तो उनका क्या कहना है? उनका कहना कहीं उनसे हमने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा सब काम हो गया। मतलब आपने इस संबंध में प्रधान से नहीं कहा है, फिर आपने कैसे कह दिया कि सारे काम हो गए? सारे काम हमने प्रधान से कहा है, लेकिन प्रधान ने अपनी तरफ से कहा है कि काम हो जाएगा। लगभग कितने समय से आप कहते चले आ रहे हैं? कम से कम 2 साल है। दो साल हो गए। आपके गांव में सफाई कर्मचारी कब से नहीं आए? कर्मचारी तो आप ही ना कहो, ये मान लो तुम, जब से लगभग कितने समय से नहीं आया? कम से कम 2-3 साल, 2-3 महीना, 6 महीना, हम कहूँ एक बार आ तो बाकी बार कोई नहीं आते। पूछो आपका क्या नाम है? नसीब। हाँ। अच्छा, और मतलब आपके गांव में कब से कर्मचारी नहीं आए? बहुत दिन हो गए। आपने किसी अधिकारी से इन्फॉर्म की? अभी कुछ नहीं की। क्यों नहीं की? अभी तो जानते ही काम करना है। ये कौन सा गांव है? ये कौन सा गांव है? बिरथुआ। आप हमें ये जानकारी बताइएगा, आपके गांव में सफाई कर्मचारी कितने समय से नहीं आ रहा है? बहुत दिन हो गए। लगभग कितना साल गांड बताए थे? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से सफाई कर्मी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। इस संबंध में ग्राम प्रधान से आपने कभी कहा? प्रधान से नहीं कही। क्या नाम है आपका? सहुरन। नाम सहुरन। कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? बिरथुआ। लैट्रिन के लिए आप कहाँ जाती है? गड्ढा खोद लो भंगिन लगाए, मतलब नसरानी लगाता। आपके यहाँ लैट्रिन वगैरह बनी नहीं है? नहीं बनी है। इस संबंध में कभी प्रधान से कहा आपने? कहा था। कही जाते दिए, फिर दही नहीं। पैसा तो नहीं है? पैसे वगैरह मांगता हो? पैसा भैया नहीं, पैसे क्या मांगे? चलो ठीक। आपकी उम्र कितनी होगी? अब तुम भाई समझ ले, भाई 50 साल तो है।